वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? बादशाह भाई। माशाल्लाह। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। कौन से टूर में आप उमरा करने के लिए आए हो? राहत में। राहत में आकर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। खाने पानी का इंतजाम भी अच्छा है, रूम का इंतजाम भी अच्छा है। ज़ायरीन जो है थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन बाद में सब अच्छे हो गए जी। और कोई तरह की तकलीफ नहीं। इंतजाम भी अच्छा किया, स्टाफ भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। धोना कपड़े का स्टाफ बदतमीजी अच्छा तो नहीं करता? नहीं, स्टाफ पूरा अच्छा है। पूरा अपने बम्बई के सरकारी इधर के स्टाफ चल रहा है। केरला के भी लोग थे, लेकिन उन लोग भी कभी नुक्ताचीनी नहीं की। माशाल्लाह। और मेरे और सारे बहुत दोस्त बम्बई के थे, उन लोगों को भी सब अच्छा लगा। ये खाने पानी के बारे में भी आपको इफ्तारी सहरी अच्छी मिल रही है? कोई परेशान तो नहीं है? नहीं, कोई तरह फुल मिल रही है ना इफ्तारी सहरी? खाने पीने के बारे में कोई तकलीफ? इंडिया पे जाके अपने रिश्तेदारों को क्या मशवरा दोगे, क्या बोलना चाहोगे? कभी भी राहत टूर में जाओ, इंशाल्लाह ताला अजीज कोई तरह का तकलीफ नहीं। माशाल्लाह। रूम का भी, खाने पीने का भी, और किधर जियारत के लिए ले जाने का है, जो यहाँ के रूल्स के मुताबिक वो लोग जियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह। और तरह की कोई भी नहीं। अल्लाह ताला आपकी उम्रा करना कबूल करे। अल्लाह आपकी जियारत की कबूल करे, और हमारे लिए भी दुआ करना। अल्लाह ताला हमें भी खिदमत करने का मौका दे। दुआ है जो मक्के के स्टाफ को भी मैं दुआ दे के आया हुआ हूँ। कई चंद मलबारी भी थे अपने मुल्क सेट के, और उनसे भी मुझे खुशी मिली, बहुत सारी मदद किए। फोन के बारे में दूसरे मालूम नहीं था, अशरा क्या होता मालूम नहीं था, पैसे क्या मालूम नहीं था, बहुत सारे वहाँ का स्टाफ पूरा हमें भरपूर हिमायत किया। और यहाँ का भी स्टाफ है माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी तरह स्टाफ है। अल्लाह इन पे भी रहमत है।